नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रशांत शुक्ला आपकी अपनी चैनल डॉक्टर प्रशांत शुक्ला आयुर्वेदाचार्य पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज फिर प्रस्तुत हूं मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर कि यदि कोई सांप आपको काटता है, चाहे वह विषैला हो या विषैला ना हो, व्यक्ति इतना घबरा जाता है कि घबराहट में ही प्राण त्याग देता है, और उस समय यदि उसको कोई सही उपचार ना मिले तो मृत्यु निश्चित है। अतः उस समय क्या करना चाहिए, क्या प्राथमिक चिकित्सा होनी चाहिए, क्या आयुर्वेदिक चिकित्सा होनी चाहिए, यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कृपया दोस्तों, विशेषतः इस विषय को ध्यान पूर्वक सुने और हो सके तो अपने नोटपैड पर, अपनी डायरीज में, अपनी नोटबुक में इसे नोट जरूर कर लें, ताकि जरूरत पड़ने पर किसी जरूरतमंद कोई जान आप बचा सकें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण विषय को, जो कि सांप के काटने जैसी गंभीर समस्या पर आधारित है। दोस्तों, यदि सांप काटता है तो तुरंत क्या करना चाहिए, आयुर्वेद में इसका बहुत ही अच्छा नुस्खा है, बहुत ही सरल नुस्खा है, ऐसा नुस्खा है जो आप आसानी से प्रयोग कर सकते हैं, घर में ही मिल सकता है। प्याज कूट लीजिए, प्याज को बारीक कूट लीजिए, लगभग 100 ग्राम प्याज का रस निकाल लें, और फिर 30 ग्राम प्याज का रस और 30 ग्राम शुद्ध सरसों का तेल। अच्छे से सुने, प्याज कूट कर लगभग 100 ग्राम प्याज का रस निकाल लें, फिर 30 ग्राम प्याज का रस और 30 ग्राम शुद्ध सरसों का तेल अच्छी तरह मिला लें। ऐसी एक मात्रा, यानी इतनी एक मात्रा दोनों वस्तुएं मिलाकर 60 ग्राम हो जाएंगी टोटल, तत्काल सांप काटे व्यक्ति को पिला दें। आधा घंटे बाद ऐसी ही दूसरी मात्रा, यानी 30-30 ग्राम प्याज का रस और सरसों का तेल, टोटल 60 ग्राम फिर पेशेंट को पिला दें। आधा आधा घंटे के अंतर में इस मिश्रण को पिलाते रहने से सांप का काटा व्यक्ति अवश्य ठीक हो जाता है, यानी उसको अवश्य आराम मिल जाएगा। प्रायः तीन मात्राएं ही पर्याप्त होती हैं, यानी आधा आधा घंटे पर यदि आप तीन बार पिला देते हैं तो प्रायः तीन बार में ही व्यक्ति ठीक हो जाता है। एक वृद्ध महात्मा, बूढ़े महात्मा से सांप काटे का यह नुस्खा प्राप्त करने वाले हकीम वजीर चंद का कहना है कि यह नुस्खा अब तक निरापद और अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुआ है, और सांप काटने के इलाज में कभी भी तीन मात्रा से अधिक सेवन कराने की आवश्यकता नहीं पड़ी। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि ये योग मैंने भी प्रयोग किया है, जो कि कई केसेस में बहुत सफलतापूर्वक मुझे इसमें बहुत ही विश्वासपूर्ण परिणाम इसमें प्राप्त हुआ है, बहुत ही अच्छी सफलता मिली है। तो आप जरूर इसका प्रयोग करें, ताकि जो व्यक्ति मृत्यु का ग्रास बनने जा रहा है वह बच सके। इसमें विशेष चीज यह है कि सांप काटने पर कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि सभी सांप जहरीले नहीं होते और ना ही अधिकांश सांपों का जहर जानलेवा होता है। फिर भी सांप काटे व्यक्ति को तुरंत किसी अच्छे चिकित्सक के पास ले जाना अच्छा रहता है। डॉक्टर के अभाव में ये जो मैं प्राथमिक चिकित्सा, जो प्राइमरी ट्रीटमेंट, जो फर्स्ट एड मैं आपको बता रहा हूं, उसका प्रयोग करना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करें कि सांप के काटते ही सर्वप्रथम बंधन बांधने योग्य अंग, जैसे हाथ पांव, जहां पर जो बंधन बांधा जा सके, यानी कि रस्सी का बंधन बांधा जा सके, हाथ पांव, जांग, अंगुली आदि पर सर्प काटे हुए स्थान पर जहां पे सांप काटा हो या जहां तक जहर चढ़ चुका हो, उससे 4-6 अंगुल या 8 सेंटीमीटर ऊपर कसकर मजबूत रस्सी, डोरी या कपड़े की पट्टी या सुतली से 3-4 अंगुल के फासले पर 2-3 बंधन बांधे, यानी 8 सेंटीमीटर पर आपने बांधा और फिर 3-4 अंगुल, यानी कि फिर 4-5 सेंटीमीटर के अंतर पर फिर एक बंधन बांधा, फिर 4-5 सेंटीमीटर के अंतर पर ऊपर की ओर एक और बंधन बांधा, फिर एक और बंधन 4-5 सेंटीमीटर पर बांधा, तो इससे खून की गति रुक जाती है और जहर शरीर के अन्य भागों में पहुंचकर हृदय को प्रभावित नहीं कर पाता। दूसरी चीज, यदि सर्प ने शरीर के अन्य
जगहों पर काटा है जहां की बंधन यानी कि रस्सी नहीं बांधी जा सकती, तो काटे स्थान के चारों तरफ बर्फ लगाएं अथवा बिना देर किए हुए काटी हुई जगह पर जलते हुए अंगारे रखकर जहर को जला दें अथवा दंश स्थान को थोड़ा सा छीलकर लोहे की गर्म सलाख से दाग दें, जो कि थोड़ा मुश्किल कार्य है, इसलिए वहां पर बर्फ लगा दें। ज्ञात रहे कि विषैले सांप के काटने पर जहां सांप ने काटा है वहां सांप के दांत के निशान या खरोंच स्पष्ट दिखाई देते हैं। जहां पर जहर होता है वहां चीरने से काला खून निकलता है। इसके अतिरिक्त जहर पहुंचे स्थान के बाल भी सोए या गिरे हुए दिखाई देते हैं। ज्यों ज्यों जहर चढ़ता है नसों का रंग नीला होता जाता है। तीसरी चीज, अंग बंधन के बाद यानी रस्सी बांधने के बाद बंधन के नीचे दंश स्थान पर तत्काल किसी तेज धार वाले चाकू पर, जहां पर सांप ने काटा है वहां पर किसी तेज धार वाले चाकू, छुरी, ब्लेड से फिटकरी के पानी या डिटॉल से उसको धो लें इन चीजों को, और उसको पहुंचने के बाद जो है इसकी सहायता से जो ब्लेड है, छुरी है या किसी भी प्रकार की तेज धारदार चीज है उसकी सहायता से धन के आकार का चीरा लगाएं, यानी जहां पर काटा है वहां पर एक सीधी लाइन में चीरा और एक आड़ी लाइन में चीरा धन के आकार में लगाएं, जिससे इससे कटी जगह से खून बहने लगेगा, जिससे खून के साथ खून में मिला हुआ जहर भी शरीर से बाहर निकल जाएगा। यह क्रिया तत्काल करने की है, अतः तुरंत करनी चाहिए। चीरा लगाने के बाद काटे हुए स्थान से दबा दबा कर विषैला खून बाहर निकाल दें। यदि काटे स्थान पर बिना बुझे चूने की डली रख दी जाए तो भी वह विषैले रक्त को आसानी से खींच लेती है। डॉक्टर जो हैं, आधुनिक डॉक्टर, वो घाव को हल्का खुरच देते हैं, यानी वहां पर थोड़ा सा चीरा लगा देते हैं ब्लेड से या चाकू से, और उसके बाद थोड़ा सा वहां पे पोटेशियम परमैंगनेट के दाने बारीक पीसकर घाव में भर देते हैं, अथवा 3 से 5 भाग औषधि को 75 भाग पानी में डालकर गर्म पानी से उसको धो देते हैं, यानी कि लगभग 2 लीटर या 1 लीटर पानी में 2-3 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट डालकर गर्म कर देते हैं और उससे धोते रहते हैं। सर्प काटे व्यक्ति को 12 घंटों तक बिल्कुल ना सोने दें, अन्यथा जहर सारे शरीर में फैल सकता है, अतः उसका धैर्य, पेशेंस बढ़ाने वाली उत्साहजनक मोटिवेशनल बातें करके उसके जगाए रहें या पानी के छींटे उसको मार मार कर जगाए रखें। उसको सोने ना देना बहुत जरूरी है। लिटाने की अपेक्षा बिठाए रखने का प्रयास करना चाहिए। उस व्यक्ति को बिस्की पिलाने या अमोनिया सुंघाने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए, इससे उसकी मौत हो सकती है। यह प्राथमिक चिकित्सा फर्स्ट एड प्राइमरी ट्रीटमेंट के पश्चात सर्प काटे व्यक्ति का योग्य चिकित्सक द्वारा इलाज करवाएं, और किसी चिकित्सक के अभाव में जो प्याज का रस और सरसों का तेल वाला इलाज मैंने बताया है उसको करने से पूर्ण लाभ प्राप्त होता है तो उसे जरूर करें। तो दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, अपने तक ही सीमित ना रखें, इस वीडियो को लाखों करोड़ों लोगों में फैलाएं ताकि जो लाखों जाने एक साल में जाती हैं भारतवर्ष में और विश्व में, वो लाखों जाने जाने से बच सकें, यानी लोगों के प्राण बच सकें। तो लाखों लोगों में इसे शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही जादुई अनुभूत सफल सरल नुस्खे आपको मिल सके, जिनमें लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी आप मरीज को पूरी तरह लाभ नहीं दिला पाते और कई मरीजों की मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए मेरे सफल सरल नुस्खे पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का निशान जरूर दबा दें ताकि आपको मेरे अच्छे वीडियोस, जो बहुत ही सफल सरल 100% सफल नुस्खे हैं और ट्रीटमेंट वाले वीडियोस हैं, वो मिल सकें। ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, फेसबुक, अपने फैमिली मेंबर्स में और फ्रेंड सर्किल में जरूर मेरे वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर करें और किस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं यह भी लिखकर भेजें। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, सफल रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच।